नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश इस वक्त कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। महामारी जहां एक तरफ बेहद ही विकराल और खौफनाक रूप लेती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के इलाज के लिए संसाधन लुप्त होते जा रहे हैं। ना तो मरीजों का इलाज करने के लिए अस्पतालों में बिस्तर है और ना ही मरीजों के कोरोना से लड़ने के बाद हुई मौतों के अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में जगह। लेकिन फिर भी हमारा देश आज एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ खड़ा है, इससे लड़ रहा है। लेकिन शायद ये एकता कुछ राजनेताओं और कुछ असामाजिक तत्वों से बर्दाश्त नहीं है और वो लगातार समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग न केवल समाज के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। तो आपको बता दें कि आज हम आपको एक और ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए फेक न्यूज का सहारा लेकर समाज और देश की अखंडता को चोटिल करने में तुले हैं। हम बात कर रहे हैं अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले दलित नेता उदित राज की, जिन्होंने हाल ही में कुंभ मेले को लेकर एक फेक न्यूज फैलाई थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि 1500 तबलीगी जमात भारत में कोरोना जिहाद कर रहे थे और अब लाखों साधु जुटे हैं कुंभ में उस जिहाद और कोरोना से निपटने के लिए। तो वहीं जहां एक तरफ इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अफवाह को सच मानकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाकर और बाकी के सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर इस झूठ को और भी फैलाया, जिसे कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच घृणा की भावना पैदा हुई। आइए अब आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल उदित राज ने जो तस्वीर पोस्ट की वो 2019 की है। गूगल पर इस तस्वीर को सर्च करने पर पता चला कि 2019 में कई लोगों ने इसे शेयर किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि ये तस्वीर 2013 के कुंभ मेले की है, जिसका इस्तेमाल कर उदित राज अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में भी कई रिपोर्ट में इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हो सकता है कि यह तस्वीर 2013 से भी ज्यादा पुरानी हो, लेकिन सच तो यही है कि यह तस्वीर इस बार की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच हमें अपने युवाओं की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आज का हमारा युवा ऐसी झूठी अफवाहों से बहकने वालों में से नहीं है। क्योंकि आज का युवा जोश के साथ साथ होश से भी काम लेता है। तो जैसे ही उदित राज ने इस ट्वीट को शेयर किया, तो वैसे ही ट्विटर पर यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए उन पर आलोचना करनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, अरे बेवकूफ, ये पिछले साल की तस्वीर है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि 2013 की फोटो डालकर अफवाह फैला रहा है, मामले पर संज्ञान लिया जाए। यूजर ने इस ट्वीट में दिल्ली पुलिस को भी टैग कर दिया ताकि इस नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं सौरभ राय नाम के एक यूजर ने लिखा, एक तो तुम 2013 की तस्वीर ट्वीट करते हो और फिर बोलते हो कि लोग तुम्हें गालियां क्यों देते हैं, और ये बताओ कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कौन सा कुंभ हो रहा है जो वहां की हालत इतनी खराब हो रखी है। इन पर बोलने की भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है उदित राज जी। मिली जानकारी के मुताबिक बता देंगे, ये कोई पहली बार नहीं है जब उदित राज ने हिंदू आस्था से जुड़े कुंभ मेले के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले पिछले साल भी उन्होंने कुंभ पर होने वाले खर्चों को लेकर भी सवाल उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि सरकार द्वारा किसी भी धार्मिक शिक्षा या अनुष्ठान का खर्च वहन करना नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं होता। यूपी सरकार इलाहाबाद में कुंभ मेले के आयोजन में 4200 करोड़ रुपए खर्च करती है, वो भी गलत है। उस दौरान भी उदित राज ने इस ट्वीट के बाद उनकी जमकर आलोचना की गई थी। अंत में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। ट्वीट डिलीट करने के बाद उदित राज ने कहा कि धर्म को राजनीतिक ताकतों से दूर रखना चाहिए और सरकार को किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ना तो उसे बढ़ावा देना चाहिए और ना ही उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने कुंभ मेले का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इसका खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो देखा आपने किस तरह से एक झूठे और समाज को बरगलाने वाले नेता को हमारे युवा सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर लताड़ लगाई। इनके इस ट्वीट से कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि इन्हें ना तो कोरोना से मतलब है और ना ही लोगों के जीने मरने से। इन्हें मतलब है तो हिंदू आस्थाओं से जुड़े मामलों के खिलाफ सवाल करने पर। सवाल यह भी उठता है कि जहां एक तरफ एक महामारी हर दिन लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, हर दिन हजारों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की फेक न्यूज को फैलाकर ये राजनेता क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ऐसे नेताओं के लिए अखबार में सुर्खियों में रहना इतना ज्यादा जरूरी है कि ये उसके लिए अपना जमीन तक बेच देते हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।